गुजरात के सूरत में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की वजह से विद्यार्थी और शिक्षकों की मौत की वजह से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ चुकी है। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने एक आदेश पारित किया है कि मुरादाबाद के जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उसमें ये बातें देखी जाएं कि सुरक्षा संबंधित बातों का ध्यान रखा गया है या नहीं, जिसके लिए एक पत्र भी जारी किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर सभी कोचिंग सेंटर को अपनी सुरक्षा संबंधित बातों को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को बताना होगा। यदि कहीं भी कमी पाई गई तो कार्रवाई भी की जाएगी। गुजरात के सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लगने की वजह से विद्यार्थियों और शिक्षकों की मौत की वजह से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। देखिए, गुजरात में जो ये घटना हुई वो बहुत निंदनीय है और मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करूँगा कि वो प्रत्येक जिले में प्रत्येक DIOS को, प्रत्येक फायर ब्रिगेड अधिकारी को यह निर्देश दे कि सभी कोचिंग सेंटर, सभी विद्यालय और अन्य इमारतें जो ऊंची मंजिल पर हैं वहाँ पर प्रॉपर फायर ब्रिगेड के लिए सारी चीज़ें हैं नहीं हैं। अगर वहाँ कोई घटना घटती है तो वहाँ निकलने के लिए सारे साधन उपलब्ध हैं नहीं हैं। सभी मापदंड पूरे होने चाहिए और सख्ती के साथ इसका पालन होना चाहिए। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने जनपद के सभी कोचिंग सेंटर्स को एक पत्र लिखकर सुरक्षा संबंधित सारे उपकरणों की सूची मांगी है। मुरादाबाद में कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनकी मान्यता भी नहीं है और मानक के आधार पर ठीक नहीं है। ऐसे कई कोचिंग सेंटर्स को जिला विद्यालय निरीक्षक ने पत्र लिखा है और उनसे सारे सुरक्षा उपकरण के कागज मांगे गए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक का ये कहना है कि हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स मुरादाबाद में चलाए जा रहे हैं उनमें विद्यार्थियों की सुरक्षा होनी चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक पत्र हमारे द्वारा लिखा गया है और सभी कोचिंग सेंटर से एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही गई है। देखिए, इसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालित हैं उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो लाइफ सेफ्टी के मेजर्स हैं वो पूरी तरह से है या नहीं है, इसके लिए मेरी तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जो आज समाचार पत्रों में प्रकाशित भी है सभी कोचिंग संचालकों को कि वह कोचिंग के आवागमन का रास्ता, वहाँ फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स हैं, अन्य जो सेफ्टी के मानक हैं उन मानकों को वह कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोचिंग इस समय वर्तमान में रजिस्टर्ड या नवीनीकृत है कि नहीं है। इस संबंध में 3-4 पॉइंट्स पे हमने सभी कोचिंग संचालकों से एक सप्ताह के अंदर साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है और उन कोचिंग संचालकों के द्वारा जब ये पत्रजात हमें उपलब्ध करा दिए जाते हैं तो उसके बाद हम लोग ये परीक्षण करेंगे। और साथ ही साथ कोचिंग संचालकों को ये भी निर्देशित किया गया है कि जो उनके यहाँ फायर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनकी जो प्रॉपर रिफिलिंग होती है उसको भी वह चेक कर लें कि उसका वह एक्सपायर ना हो चुका हो, और अगर वह एक्सपायर हुआ है तो उसकी पुनः वह रिफिलिंग करा लें और जो भी फायर इक्विपमेंट्स है वो पूरी तरह से वर्किंग आर्डर में हो। और साथ ही साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक ड्रिल भी हो ताकि अगर कोई आकस्मिकता की स्थिति होती है तो हम कितनी देर में उस कैंपस को खाली कर सकते हैं। और इस निर्देश के क्रम में भी आकाश इंस्टीट्यूट ने एक मॉक ड्रिल भी कराया था जिसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया था, जिसमें सायरन बजा करके पूरे कैंपस को 6-7 मिनट के अंदर उन्होंने खाली कराया था। तो इस तरह की मॉक ड्रिल भी हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराने के लिए निर्देशित कर रहे हैं कि उनके जो स्टेयर्स हैं उसकी चौड़ाई कितनी है, कितने देर में हम कैंपस को अचानक अगर खाली करने की स्थिति होती है तो हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी मैं उनको निर्देशित किया जा रहा है कोचिंग संचालकों को कि जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं उनको पूरी तरह से वो गाइड कर दें कि जब इस तरह से कोई आग की स्थिति होती है, अग्निकांड की स्थिति होती है तो हम सब जानते हैं कि धुआं नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो अपने लाइफ को सुरक्षित करने के लिए कि वो ज़मीन पे लेट जाए और साथ ही साथ जो कमरा जिसमें वो मौजूद हैं उसके सामने भीगा हुआ कोई कार्टन रख दें ताकि वह उस स्मोक को एब्जॉर्ब कर ले, स्मोक कमरे के अंदर ना आए। तो इस तरह के जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन सेफ्टी मेजर्स के विषय में भी बच्चों को जागरूक किया जाए, स्टाफ को जागरूक किया जाए और हम लोग एक अभियान चला करके इसको सुनिश्चित भी कराएंगे। अभी जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है उन्होंने एक पत्र हमें भेज करके और जितने भी जनपद में कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी सूची मांगी थी, वो सूची मेरे द्वारा आज उनको प्रोवाइड कराई जा रही है और उसके बाद फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट भी निश्चित रूप से कोचिंग का निरीक्षण करके फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा और हम लोग मिल करके सुनिश्चित कराएंगे कि उस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति कम से कम मुरादाबाद में तो ना होने पाए, इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे।